हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट योर रिटन वर्क अगेन। ओके, फर्स्टली टेक आउट योर हिंदी ग्रामर बुक एंड ओपन चैप्टर नंबर 9। हम सब सुमन एक उपवन के। यहाँ पे आपकी एक बहुत प्यारी सी कविता दी गई है। इस कविता के रचयिता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता में उन्होंने बताया है कि कुछ फूल एक बगीचे में खड़े हुए हैं, जो आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की महत्ता एक दूसरे को बता रहे हैं। तो चलिए इस पोयम को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं कवि ने क्या कहा है इस पोयम में। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। फूल आपस में कह रहे हैं कि हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं। जिस धरती पर हम उगते हैं वो हम सब की धरती एक ही है। जिस मिट्टी में हम पैदा होते हैं वो मिट्टी एक है, और जो धूप हमें मिलती है जिससे हम खिलखिलाते हैं वो धूप भी एक ही है। सींचे गए एक जल से हम, जिस जल से हमें सींचा जाता, हमें पौधों को पानी दिया जाता है ताकि हम बड़े हो सके, वो जल भी एक ही है। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों से हम एक पवन के, जो हम हिलोरे लेते हैं हम झूलते हैं, वो हम एक ही पवन से झूलते हैं। सब जगह एक ही पवन होती है। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी। फूल आपस में कह रहे हैं कि भले ही हम सबके रंग अलग अलग हो, अलग तरह के हो, अलग प्रकार के हो, हम भले ही हमारी क्यारी अलग अलग हो, हम अलग अलग क्यारी में पैदा हुए हों, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। लेकिन भले ही हम अलग अलग क्यारी में पैदा हुए हों, लेकिन जब हम एक साथ मिल जाते हैं तो ही इस बगीचे की शोभा होती है, वरना ये बगीचा सुंदर नहीं लगता। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन की। फूल आपस में कह रहे हैं कि जो इंसान, जो माली हमारी देखभाल करता है, हमसे बातें करता है, हमारा ध्यान रखता है, वो हमारा एक ही है। हम सबका ध्यान एक अकेला ही रख लेता है। रहते नीचे एक गगन के, और हम सब एक ही गगन के नीचे रहते हैं। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़की कली खिलाती। एक सूरज है जिसकी किरणें हमारी कली खिलाती है, हमें बड़ा करती हैं, हमें जीवन देती हैं। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हमको सबको नहलाती। एक ही चांद है केवल संसार में, जिसकी चांदनी से हम खिलखिला उठते हैं, नहलाती है जो हमें। मिले एक से स्वर हमको हैं भ्रमरों के गुंजन से। भौरे एक ही तरह का गुंजन करते हैं ना, चाहे वो कोई से भी फूल पे चले जाए, लेकिन उनका स्वर एक ही होता है। इसलिए फूल ने कहा है कि हमें केवल एक से ही स्वर मिले हैं, क्योंकि भौरे जो होते हैं वो हम सब पर मंडराते हैं। कांटों में मिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा। फूल आपस में कह रहे हैं कि भले ही हम में कांटे हों, लेकिन उसके बाद भी हम कभी दुखी नहीं होते, हम हमेशा खुश रहते हैं और हंसते रहते हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने हर गले का बनना सीखा। वो आपस में कह रही हैं कि जब हम सब फूलों को एक साथ बांध दिया जाता है, एक धागे में पिरो दिया जाता है, तो हम गले का हार बन जाते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के। फूल कह रहे हैं कि हमारी जो खुशबू होती है वो किसी एक के लिए नहीं होती है, चाहे कोई भी हो, हमारी खुशबू समान रहती है और वो हमारी खुशबू सभी के लिए होती है। हम श्रृंगार धनी निर्धन के। जब हमारी मालाएं बनाई जाती है या हमें चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है, तो वो चाहे किसी के भी हो, हम श्रृंगार के काम आ, चाहे वो धनी हो चाहे निर्धन हो, हम सभी के काम आते हैं, हम सभी के लिए उपयोगी है। ओके बच्चों, तो कवि ने फूलों की महत्ता को इस कविता में बताया है। अगर आपकी समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। ओके, गुड लक।